हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल हर कोई चाहता है कि मेरी स्किन ग्लो करे, उसमें कोई भी दाग धब्बा डार्क स्पॉट्स ना हो। इसके लिए आप पार्लर जाते हैं, महंगे महंगे फेशियल करवाते हैं या फिर स्किन क्लिनिक जाके ट्रीटमेंट लेते हैं। कभी कभी ये ट्रीटमेंट जो है साइड इफेक्ट भी कर देते हैं, जिससे कि आपकी स्किन जो है बदरंग सी हो जाती है। आज मैं एक ऐसा मास्क लेके आई हूँ जो आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स को एकदम गायब कर देगा और ब्लैक हेड्स को भी अच्छे से रिमूव कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके फेस से सारे डार्क स्पॉट्स रिमूव हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं किस तरह से ये मास्क बनाना है और अप्लाई करना है, और ये जो इंग्रेडिएंट है ये आपके घर में अवेलेबल होते ही हैं, आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले गाइस, हम लेंगे एक क्लीन बॉल और उसमें हमने ऐड करनी है ये कोलगेट। तो मैं आपको बताती चलूं, जो कोलगेट है आपको कोलगेट ही लेनी है, ये नहीं कि आप पेप्सोडेंट ले लें या फिर क्लोजअप ले लें, वो वाली इसमें नहीं चलेगी। आपको लेनी है कोलगेट ही, और ये 10 रुपीज की बड़े आराम से आपने वाली दुकान से ही मिल जाएगी। तो आप इस तरह से कोलगेट ले लें। पेस्ट का इस्तेमाल ओरल हेल्थ के लिए किया जाता है, वहीं गाइस वैसलीन का इस्तेमाल रूखी स्किन रहित कई प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए किया जाता है। वहीं इन दोनों को एक साथ यूज करके हम स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि थोड़ी सी पहले आपको यहाँ पे कोलगेट ले लेनी है। इतनी सी आपने कोलगेट लेनी है, ये देखिए इतनी सी आपने कोलगेट ले लेनी है। और उसके बाद हमने लेनी है वैसलीन। वैसलीन की जो हमारी क्वांटिटी होगी वो हमें बस इतनी सी ही लेनी है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और स्मूथ से एकदम अच्छे से इतना मिक्स करना है कि ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मिक्स हो गई है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद आपने इसको अपने फेस पे ओनली 5 to 10 मिनट्स ही रखना है, उसे ज्यादा नहीं रखना है। अप्लाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। और जब भी गाइस आप इस पेस्ट को अपने फेस पे अप्लाई करें तो फिंगर से ही करें, ब्रश से ना करें। फिंगर से करेंगे बड़ी इजीली लग जाएगी। और इसे आपने रेगुलर 15 डेज तक अच्छे से यूज करना है, और एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। जितने भी स्पॉट्स होंगे और लाइट होने लग जाएंगे, और एक मंथ तक अगर आप रेगुलर इसे यूज करोगे तो वो आपके फेस से एकदम गायब हो जाएंगे। तो चलिए हम इसे अप्लाई करते हैं। इस तरह से पूरे फेस पे आपने अप्लाई करके इसे 10 मिनट तक छोड़ना है। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है उसे आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसे रिमूव करें। गाइस 10 मिनट्स हो गए हैं, अब हम इसे रिमूव करेंगे। तो इसके लिए अगर आपके पास इस तरह का कोई फेशियल ब्रश है तो वो ले लें, अगर नहीं है तो जो पुराना टूथ ब्रश होता है आप उसे ले लें। और इसे आपने पानी में इस तरह से डिप करते जाना है, और इसे सर्कुलर मोशन में आपने मसाज करनी है। इससे आपके ब्लैक हेड्स डेड स्किन्स भी निकल जाएगी और स्किन बहुत ज्यादा क्लीन हो जाएगी। वन टू टू मिनट्स तक आपने इसी तरह से मसाज करते हुए सर्कल मोशन में इसे घुमाते रहना है और मसाज करते रहना है। अगर आपके ब्लैक हेड्स हैं तो वहां आपने इस तरह से सर्कल मोशन में घुमा के मसाज करनी है, आपके ब्लैक हेड्स भी रिमूव हो जाएंगे। 1 to 2 मिनट्स तक इसको मसाज करने के बाद अब मैं अपना फेस वॉश करने वाली हूँ। आप इस तरह से अपने फेस को वॉश कर ले, उसके बाद मिलते हैं कि क्या रिजल्ट आया, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है, बहुत ज्यादा क्लीन लग रहा है और एक नेचुरल सी शाइनिंग आप देख सकते हैं फेस पे आ गई है।
आप भी इसे यूज कीजिए, 15 डेज तक आप रेगुलर यूज कीजिए इसे, और 1 वीक के अंदर अंदर वैसे आपको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट दिखने लग जाएगा। 1 मंथ तक अगर आप यूज करेंगे तो आपके जितने भी स्पॉट्स हैं आपके फेस एकदम गायब हो जाएंगे। आपको क्या रिजल्ट मिला है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मेरा एक और चैनल है वेकअप एंड मेकअप, उसे भी जरूर चेकआउट करते रहिएगा। सो गाइस आज के लिए इतने, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड लव यू गाइस।